नमस्कार गुड इवनिंग दोस्तों स्वागत है आप सभी का जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस में तो कैसे हैं बेटा हूँ आप सभी लोग सागर कुमार गुड इवनिंग तो अपना यहाँ पे जो है मोटर मैकेनिक व्हीकल या आपका जो क्लच का टॉपिक आपका कौन सा चल रहा है क्लच चल रहा है और क्लच के तहत अगर मैं बात करूँ तो अपन ने लगभग लगभग सारी क्लचेज पढ़ ली हैं ऑलमोस्ट आपको सी वी भी देख लिया होगा है ना तो अगर बात करते हैं अपन आगे क्या पढ़ेंगे तो देखो आपका अब दो तीन ऐसी चीज़ें आएंगे एक तो क्या हो गया कुछ नया इंटरेस्टिंग कोई ऐप ऐप मिलाएगा जो मज़ा आ रहा है वह ऐसा होता है पहले एक बीच में एक ऐसा ऐप आया था जो अपन को बुढ़ापे की फ़ोटो दिखा देता था ऐसा कुछ आया था तो बड़े उसके भी बड़े मज़े लेते हैं गजब है ये करने में लग रहे हो तुम्हे ना लायकों ये करने में लग रहे हो तुम, <laughs> तुम बैठ के <laughs> भाई तुम कुछ भी कर सकते हो तगड़े वाले ना <laughs> मतलब यार क्या बना दिया तुमने मेरे को दुल्हन बना दी है है गजब यार चलो अच्छा है हंसने का मौका मिला ये भी अच्छी चीज होती है है ना और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, है ना कोई जैसे नाराज होने का भी वो नहीं है कि इसमें कोई क्योंकि अपनी वजह से अगर कोई हंस पा रहा है तो उससे बेटर कोई चीज लाइफ में है भी नहीं करें भी स्टार्ट अगर आपका मनोरंजन भरपूर हो गया हो तो है ना तो डालिए अच्छा अब देखो अपना लिखने का मैटर थोड़ा कम रहेगा क्लच को अपन समझेंगे अ, क्लच के टाइप तो अपन ने समझ लिए अब सीबीटी अच्छा सीबीटी नहीं हुआ था क्या तुम्हारा हुँ? तुम्हारा लास्ट है? हाँ मतलब क्लच है लास्ट है तुम्हारा हम्म नहीं फिर एक वो टॉपिक चलेगा आपका लिब्रिकेशन सिस्टम वो आप ऑनलाइन ही देख लेना ना। एक आपका सीवीटी मैकेनिज्म था सीवीटी बोले तो कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन आजकल थोड़ा ही लेटेस्ट आपका चल रहा है अभी आप करंट में जो गाड़ियाँ आ रही है उसके अंदर या जो आपके ऑटोमेटिक व्हीकल आते हैं ना आजकल काफी प्रचलित है ये वाला ना तो आपका पहला पॉइंट इसका डायग्राम इसका वीडियो शायद मैंने कल दिखा दिया था ना आपको है ना वीडियो दिखा दिया था तो यहाँ पे आ, फिर भी कोई अगर इमेज डालू क्या यहाँ पे कोई समझने के लिए ना एक इमेज डाल देता हूँ है ना ताकि पता रहे कि भाई ऐसा कुछ सिस्टम था क्या बात है साइंस के नए टीचर आ गए क्या तुम्हारे साइंस के नए टीचर आ गए क्या तो ये है? मेरे को लग रहा है और वो भी दृष्टि इसमें पढ़ाए हुए इंसान है भारी इंसान लिया दृष्टि जो आपका वो आ, की करवाता है ना जिसकी मूवी बनी थी मनोज कुमार की वो उसके है? क्या हुआ नहीं तो अभी भाई कोई एक दिन में ना आता कोई बॉन्ड बॉन्ड वगैरह भरने पड़ते हैं ऐसे ही थोड़े ना हैं क्या बना ली हाँ तो तो अच्छा Rector, Rector. अच्छा अच्छा हाँ अच्छा नोट्स बना रहे हो हाँ तो नोट्स बना तो बनाओगे ना अरे तुम अभी तो बनाते रहो जब आएंगे तब की तब बात है। इस प्रकार का ट्रांसमिशन सिस्टम आजकल काफी प्रचलन में है और ये किस में यूज किया जाता है ऑटोमेटिक गाड़ियों में क्योंकि मैनुअल में तो इसका कोई काम है ही नहीं है ना मैनुअली क्योंकि अपन को आ, इसके अंदर कोई गियर वगैरह तो रहता ही नहीं है तो मैनुअल में तो इसको यूज भी नहीं करना है अगर नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो सर सी बी टी में ना ही क्लच और ना ही किसी प्रकार के गियर का प्रयोग होता है ये इंपॉर्टेंट है ना यानी सर ये ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पे आपको ना तो क्लच की आवश्यकता पड़ती है ना ही आपको गियर की आवश्यकता पड़ती है ना डायरेक्ट आपका दो रोटर या उनको रनर भी बोलते हैं अपन दो रोटर का प्रयोग किया जाता है इनके अंदर स्पाइडर और शूज का प्रयोग किया जाता है जैसे जैसे स्पीड बनती है आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सॉरी 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 ये मेरा ऑटोमेटिक दिमाग में चल रहा है हाँ सॉरी सॉरी मेरे वो ऑटोमेटिक क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक लिखा ना तो मेरे माइंड में अभी भी ऑटोमेटिक वो जो आपने क्लच पड़ी थी ना ऑटोमेटिक उसमें था वो सॉरी सीवी मैकेनिज्म के अंदर आपको यहाँ पे दो पुली का प्रयोग किया जाता है जिनका डायमीटर या उनके बीच का जो गैप है वो कंटिन्यूसली वेरिएबल होता है कल एक वीडियो देखा था अपन ने है ना जो कि आपकी स्पीड के साथ वेरी करता है है ना और रिवर्स गियर में भी काम करता है इसके अंदर सन एंड प्लेनेट मैं लिखूंगा अभी नेक्स्ट लाइन यही लिखूंगा कि यहाँ पे रिवर्स भी किया जा सकता है आसानी से रिवर्स हो जाएगा क्योंकि कोई मन में डाउट आएगा सर जब गियर है ही नहीं गियर ही नहीं लगाया तो फिर रिवर्स कैसे करेंगे तो भैया उसके लिए यहां पे कौन सा मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है सन एंड प्लेनेट जैसे आपका सूरज होता है और उसके चारों तरफ यानी एक सूरज होगा और इसके चार इसके ऐसे दो इसके चारों तरफ जो आपके प्लेनेट लगे होते हैं एक हब के अंदर ही फिट कर दिए जाते हैं तो ये क्या करता है जैसे ये अगर क्लॉकवाइज चलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज तो उसको रिवर्स कर देता है सन एंड प्लेनेट गियर मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है है ना तो ये लिख लो नेक्स्ट पॉइंट यही होगा आपका कल दिखाया था वीडियो में या दोबारा दिखाऊं? है? है? ना, तो लिखो पहले तो पुली वाला लिख लो दो पुली का प्रयोग किया जाता है जिनके मध्य गैप अब देखो यहां पे मैं केवल एक सिस्टम की बात कर रहा हूं दो पुली मतलब अपन ड्राइविंग जो शाफ्ट रहती है उस उसपे दो पुली लगे रहते हैं ना तो आप ऐसे लिखो एक सेकंड रुकना कहां तक लिख लिया एक सेकंड अच्छा मध्य आ गई क्या <laughs> बड़ा जल्दी छेप दिया भाई है ना चलो ठीक है मेरा कहने का मतलब यह था यहाँ पे अपन को ऐसे डालना था क्योंकि आपका एक सिस्टम यानी दो मेंबर होते हैं एक तो ड्रिवन मेंबर होता है एक ड्राइविंग मेंबर होता है तो दोनों मेंबर पे दो 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 पुली लगी होती है कल देखा था दो इधर लगी हुई थी दो इधर लगी हुई थी और इनके बीच का गैप इन दोनों पुली के बीच के गैप की बात नहीं कर रहा मैं है ना अगर आप ये सोच रहे हो जैसे अपन ने देखा था ऐसे दो पुली भी इधर लगी हुई थी दो पुली भी इधर लगी हुई थी और इनके बीच में ऐसे एक शाफ्ट कनेक्ट थी है ना तो मैं इनके ये गैप की बात नहीं कर रहा मैं ये गैप की बात कर रहा हूं ये गैप चेंज होता है है ना बताया था लेकिन ये अभी ये पॉइंट जो लिख रहे हैं ना इसमें ऐसे अपन को शो करना है यानी इस ट्रांसफोर्ट सिस्टम में तुम्हें तो काटना पड़ेगा ना मेरा तो ऑप्शन है काटने का रुको इसमें को, कोशिश करते हैं कैसे सेट करें काट गया <laughs> बस तो फिर मैं अभी काट देता हूं लिखो इस ट्रांसमिशन सिस्टम में ड्रिवन मेंबर और ड्राइविंग मेंबर ड्रिवन ड्राइविंग मेंबर के साथ दो दो पुली का प्रयोग किया जाता है दो दो पुली लगी होती है जिनके मध्य दो दो पुली लगी होती है तथा एक मेंबर की दोनों पुली के मध्य पुली के मध्य का गैप मध्य का गैप लगातार बदलता रहता है और इसी आधार पे ये जो गियर रेशियो होता है जो कि अपन गियर मैकेनिज्म लगाते हैं तो गियर क्यों लगाए थे गियर रेशियो चेंज करने के लिए लगाए जाते हैं आपके गियर है ना कि ताकि उससे आप स्पीड को चेंज कर सके है ना जैसे गियर रेशियो वन रेशियो टू कल अपन ने देखा था वन रेशियो टू का मतलब कि अगर ये एक पे चल रहा है तो वो आधे पे चलेगा क्योंकि नंबर ऑफ ज्यादा है है ना तो ऐसे आपका गियर रेशियो चेंज होता है किस आधार पे इन पुली के मध्य जो गैप है उनके कम ज्यादा जैसे कम होगा बेल्ट ऊपर चली जाएगी जैसे ज्यादा होगा बेल्ट वापस नीचे आने लग जाएगी उधर से उठने लग जाएगी आपकी दूसरी साइड से आगे बढ़े और नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था एक मैंने अभी बताया था ना क्या था इसमें इससे पहले किसी के भी दिमाग में नहीं मैंने बताया था अच्छे से फिर वो लिखना मैंने उस बोला था इससे पहले अपन ये लिख लेते हैं वो पॉइंट क्या था यार है <laughs> देखो एक बार जल्दी से मेरा दिमाग से बिल्कुल निकल गया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था लेकिन वो क्लच और गियर में प्रयोग नहीं होता है निकलिया सन एंड प्लेनेट सॉरी बस 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 बंद कर दो बंद कर दो लिखो रिवर्स वाहन को रिवर्स करने के लिए इस मैकेनिज्म में हाँ तुम्हें चाहिए है पीने का मन हो तो बता दो हैं अरे पी लो यार मन है तो

अब बात करते हैं आपका क्लच एडजस्टमेंट है ना वैसे तो ये आपको केवल समझना है है ना नहीं नहीं लिखना है ना मतलब थोड़ा बहुत लिखना है इसमें ज़्यादा नहीं लिखेंगे ज़्यादा समझने का आपका यहाँ पे ना क्लच एडजस्टमेंट अब देखो क्लच के अंदर बेसिकली दो ही प्रकार के आप एडजस्टमेंट करते हैं और जो कि आप जब सर्विस करवाने जाते हैं तो मैंने बताया था ना क्लच को वो लूज़ करते हैं है ना पिकअप वगैरह को देखते हुए जल्दी अगर आपका ज़्यादा अगर वो इसके अंदर दो स्क्रू दिए जाते हैं अगर उनको आप ज़्यादा टाइट कर दोगे तो आपका पिकअप हाई हो जाएगा लेकिन गाड़ी बंद होने के क्योंकि आप अगर उसको हल्का सा भी झटका या जल्दी छोड़ा तो गाड़ी बंद होगी फिर आपको बहुत ही स्मूथली उसको ऑपरेट करना पड़ेगा उससे बचने के लिए क्या कर देते हैं उसको थोड़ा लूज कर देते हैं तो आपकी लगभग क्योंकि एकदम से उंगली एकदम से छूटती है और एक बार जैसे उसमें आधे थोड़ा सा ज्यादा आगे जाने पर लगना स्टार्ट करता है मतलब यहां पे एक तो होता है फ्री प्ले फ्री प्ले एडजस्टमेंट ये एडजस्टमेंट क्यों दिया जाता है ये एडजस्टमेंट इसलिए दिया जाता है ताकि जब आपका क्लच पैडल से पैर हट जाए क्लच संपूर्ण अंगेज होनी चाहिए इस अगर आपने इस क्ले को अगर कम ज्यादा किया तो अंगेजमेंट कम ज्यादा हो सकता है उसका जो किया मैंने बताया था आपका उन्नीस एमएम mm का होना चाहिए कितना उन्नीस एमएम आइडियल की बात करें तो उन्नीस एमएम mm फ्री जो आपका फ्री प्ले रहता है वो ऐसा रहता है जहां पे पूरे तरीके से क्लच अंगेज हो जाती है और अगर आप इससे कम करते हैं तो क्या होगा हैं? इससे कम अगर आप करते हैं उन्नीस mm से अगर आपने कम कर दिया तो उसमें क्या होगा ज्यादा टाइट अंगेज हो जाएगी या लूज पड़ जाएगी वो लूज पड़ेगी और अगर ज्यादा कर दोगे तो टाइट हो जाएगी बहुत ज्यादा मतलब वो इतना भी अंगेज नहीं करना है कि उसको हटाने में दिक्कत आए फिर या ज्यादा ताकत लगानी पड़े तो अपन इसको लगभग उन्नीस एम के आसपास रखते हैं आप मतलब ऐसे तो सत्रह अठारह उन्नीस इस रेंज में वो व्हीकल पर डिपेंड करेगा अभी मैं एक डायग्राम से दिखाता भी हूं कहां से किया जाता है अच्छा यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आपका देखो यहाँ पे ये नट होता है ये आपका जो क्लच पैडल जो कि आपका यहाँ पैर रखते हैं यहाँ से हाइट भी आप चेंज कर सकते हैं आपकी जो क्लच होती है ना पैर रखने वाली ये आपका एक स्क्रू दिया जाता है अगर आप जैसे जैसे इसको करते जाओगे, ये उठती और जैसे, जैसे इसको दबाते जाओगे नीचे आपको यहां से देखो ये आपका रिलीजिंग बियरिंग है एक तरीके से यही आपका आगे पुश रोड है एक तरीके से आप जैसे इसको प्रेस करोगे यही बाहर आती है और यही अंदर जाती है आपके प्रेशर प्लेट को दबाने के लिए इस पे गए, तो आपका ऐसा होगा कि थोड़ी सी क्लच दबाओगे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा मतलब वो थोड़ा सा फ्री प्ले कर दिया फ्री कर दिया जाता है उसको कि यार इतना दबाओगे तो कोई दिक्कत नहीं या सॉरी छोड़ोगे दबाओगे नहीं छोड़ोगे क्योंकि अपन अगर मैं बात करूं अपने व्हीकल की तो अपन तो क्लच दबा के और फिर गियर डालते हैं और फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं तो जहां से अपन पैर छोड़ना स्टार्ट करते तुरंत लगना स्टार्ट नहीं होगी अगर अगर क्या बोला मैंने कि अगर ये बाहर ज्यादा है मतलब लूज है ये इसको अपन एक फ्री प्ले दिया है एडजस्टमेंट दिया है थोड़ा सा मान लो अभी ये आइडियल कंडीशन में मान लो मैं इस नट को लूज करके और थोड़ा और बाहर निकाल लेता हूँ ये नट यहाँ आ जाएंगे यहां आ जाएंगे उस केस में ये होगा कि आप जब क्लच को छोड़ोगे तो तब तक क्लच नहीं लगेगी लेकिन जब पैर थोड़ा ऊपर हो जाएगा तब क्लच अंगेज होना स्टार्ट हो जाएगी और अगर इसको जितना आप टाइट करते जाओगे तो जैसे ही पैर उठा तुरंत लग, वो अंगेज होना स्टार्ट हो जाएगा तो उस केस में गाड़ी जल्दी बंद होती है है ना इसीलिए देखा होगा लगभग हाफ क्लच हाफ से थोड़ा नीचे हाफ भी नहीं हाफ से थोड़ा सा नीचे जो है आपका ये लगना स्टार्ट होता है कि व्हीकल बंद ना हो तो इसलिए ये गैप उन्नीस एम एम का देना बहुत जरूरी है बराबर है यहां तक बराबर है एक शायद आप व्हीकल चलाना सीखा होगा ना तो हाफ क्लच वाला कॉन्सेप्ट भी होता है और वो बहुत जरूरी है अगर आप कार चला रहे हो ना तो आपको हाफ क्लच कौनसेप्ट पता होना चाहिए अदरवाइज आप बहुत मुश्किल में फंस जाओगे आप हाफ क्लच ऐसी जगह होती है जहाँ गाड़ी बंद भी नहीं होती है आप ब्रेक पे पैर भी नहीं रखोगे और गाड़ी फिर भी वहाँ खड़ी रहेगी हाँ तब वही कौन वो अगर आपको नहीं आता ना तो भैया गाड़ी पीछे जाएगी और ट्रैफिक पीछे होता है तो गाड़ी पीछे जाएगी भैया किसी का तोड़ोगे पीछे वाला तुम इसलिए बोल रहा हूँ सबसे पहले ये चीज सीख लेना गाड़ी को एक जगह रोकना सीख जाना क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि आप ब्रेक पे पैर रख लोगे लेकिन क्लच छोड़ोगे तब एक बार तो हटानी पड़ेगी तो नहीं पीछे चली जाएगी वो वो और फिर फिर कुछ लोग क्या करते रेस भी दे देते साथ में ज्यादा आगे भाग जाती एकदम से तो इससे बचने के लिए हाफ क्लच कॉन्सेप्ट इसकी प्रैक्टिस करना हो जाता है दो चार दिन प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा इनोवा तो भाई खतरनाक गाड़ी है वो चला ली तूने नहीं भैया इतनी लंबी गाड़ी मेरे से नहीं चलती अच्छा अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे और कोई आपका यहाँ पे और मैकेनिज्म का प्रयोग नहीं किया मारुति एक अलग ही कॉन्सेप्ट यूज करती है मारुति का अपना फंडा ही रहता है मारुति ये मैकेनिज्म प्रयोग करती है यहाँ पे ये यह देखो ये अलग से एक और स्क्रू और एक और डायफाग्राम का प्रयोग करता है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए देखो यहाँ पे भी एक डायफाग्राम लगा हुआ है यहाँ पे भी एक ये डायफाग्राम ऐसे होते हैं ध्यान रखना ये इनके अंदर ये जैसे आपने देखे भी होंगे कहीं पे सस्पेंशन में प्रयोग होता है आपके जो पहले सस्पेंशन आते ना आगे उन उनपे लगे रहते थे नहीं देखे कभी भी ये अरे रबड़ के आते हैं ज्यादा इनमें ज्यादा भी नहीं है लेकिन हाँ ये है कि ये इनके अंदर एयर रहती है एक तरीके से दब जाते हैं तो धीरे धीरे खुलते हैं फिर इसमें क्या होगा आपको क्लच को ऑपरेट करना थोड़ा आसान रहता है है ना मतलब क्लच आपने दबाई ना तो झटके से बाहर नहीं आएगी क्योंकि ये सपोर्ट करते हैं आपको धीरे धीरे बाहर आती हो तो ये आपका किसका मैकेनिज्म है मारुति का और इसीलिए पता है मारुति ये उन्नीस एमएम की कितना क्ल... देती है छह से दस इसीलिए देती है क्योंकि वो ये फायदा दे दिया ना उसने भाई इसकी वजह से क्या होगा एकदम से नहीं निक... उठने वाली वो चीज तुम चाहे पैर एकदम से बैठाओगे तो एकदम से तो बाहर नहीं आएगी वो तो वहां पे आपके पैर पे जोर कम पड़ेगा तो इन्होंने क्या एक्स्ट्रा एक और यहाँ पे डायफ्राम और एक और अच्छा यहाँ से इसमें दो तरी अच्छा इसमें दो तरीके दो जगह से अगर आपका यहाँ पहली बात तो अपन यहीं से एडजस्ट करते हैं इसको इस पर इस पर इसको वो सेट करके देता है कंपनी खुद इसको नहीं छेड़ने देता वो जब आप सर्विस करने जाओगे तो वो इसी से करेगा इसको नहीं छेड़ेगा बिल्कुल भी पर अगर इससे भी नहीं होता है तो आप फिर इससे करोगे अब आप एक बार मुझे बताओ इससे आप कैसे एडजस्ट करोगे मेरे को ये चाह रहा हूं मैं यहाँ पे कि क्विक पिकअप चाहिए मतलब मेरे को पैर उठते ही पिकअप चाहिए क्या कौन सा नट दो नट दिए बहन दर भी है कि भी है कौन सा टाइट करूं कौन सा लूज करूं कॉमन सेंस लगाना थोड़ा सा बिल्कुल परफेक्ट ये वाला करेंगे क्योंकि इसको आप जितना टाइट करते जाओगे दबती जाएगी नहीं दबती जाएगी है ना तो ये मतलब एंगेजमेंट की कंडीशन में रहेगी तो आपको कम और वहीं अगर आपको फ्री करना है तो फिर आप इसको लूज करते जाओ और इसको टाइट कर दो दोनों ऑप्शन आपके पास तो ये आपका किसका मैकेनिज्म होता है मारुति का मारुति का इसलिए दिया क्योंकि अपने लीडिंग ब्रांड है इसलिए किताब में भी आप देखोगे तो मारुति का दिया हुआ है उन्होंने क्योंकि वैसे तो मेरे हिसाब से ब्रांड के नाम से तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा है ना बाकी ये इससे तो ये आपका सिंपल मैकेनिज्म होता है अच्छा पेडल हाइट भी आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे क्लियर है क्या बताओ बस इतना ही जानने को था इसके अंदर इसका नॉलेज होना जरूरी है कभी तो पाला पड़ जाए तो आपको पता होना जरूरी है तो ये डायग्राम में यही छोड़ रहा हूँ इनको और इसके अंदर अपन लिख लेते हैं ध्रुव बेटा लिखना भी है ना तो लिखो क्लच के अंदर दो तरह के एडजस्टमेंट किए जाते हैं Pre play adjustment. यह एडजस्टमेंट इसलिए किया जाता है या यह एडजस्टमेंट यह एडजस्टमेंट इसलिए किया जाता है ताकि क्लच पैडल छोड़ने पर संपूर्ण अंगेजमेंट हो सके या संपूर्ण अंगेज हो सके और 19 ये आइडियल कितना है 19 एम mm एम प्री प्ले दिया जाता है नॉर्मल साधारण कितने एमएम का फ्री प्ले दिया जाता है उन्नीस एमएम का अच्छा एक आपने कौन सी क्लच थी जिसके अंदर छमएम का ही दिया था राहुल सरोज आशु विनय गुड इवनिंग बेटा हूँ छ एम एम का प्ले किस में दिया था अबे मारुति में तो दिया था उससे पहले क्लच में भी दिया था कौन सी प्रकार की क्लच थी वो हाइड्रोलिक क्लच में दिया था ना वहां पे भी कारण वही था कि क्योंकि वहां पे आप ऑयल से ऑपरेट करोगे तो ऑयल भी थोड़ा गाढ़ा होता है तो इतना क्विक वो भी रिप्लाई नहीं देगा ना मारुति दो से चार एम तक की भी फ्री प्ले फ्री प्ले भी देता है मतलब इतना भी दे आ, मना नहीं करता मतलब दो से चार दो तीन चार पांच मतलब दो से भी दो से नीचे नहीं दे रहा दो तक भी दे रहा है उसका मतलब ये डायफाग्राम इसका भरपूर फायदा उठा रहा है वो आगे बढ़े अच्छा इससे फायदा क्या होगा अच्छा एक चीज मुझे बताओ मैंने बोला ये उन्नीस एमएम दे रहे हैं दो चार एमएम दे रहे हैं क्या इससे फायदा क्या होगा क्यों लगाया इन्होंने फालतू का तामझाम क्या फर्क पड़ा उससे ठीक है वो वो तो अपन इसमें भी तो कर सकते थे वो तो अपन इस साधारण वाली में भी तो नट को खोल दो बाहर निकल जाएगी क्या दिक्कत है वो फास्ट होगा भाई एक तो आपकी कहानी बिल्कुल ठीक है कि सर यहां पे डबल प्रोटेक्शन मिल रही है दो डायफाग्राम है तो आपके पैर को ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी आप इजीली उसको जब छोड़ोगे तो आराम से तो यानी पैर आपका दर्द नहीं करने वाला आप कितनी लॉन्ग ड्राइव कर लो पहली चीज़ क्योंकि पैर पर जोर नहीं पड़ेगा गाड़ी जल्दी बंद नहीं होगी झटके नहीं लगेंगे बराबर है ये फायदे मिलेंगे इसमें इसके अलावा आपका जो क्लच का सिस्टम होता है स्पेशली मैं बात करूँ आपका जो ये रिवर्स बियरिंग है रिलीजिंग बियरिंग है ना इन पे जोर नहीं पड़ता ये जल्दी खराब नहीं होते खराब होगा तो ये होगा इसको ला के हटा दो पूरा सिस्टम खराब नहीं होगा आपका ये पूरी शाफ्ट चेंज नहीं पड़े पूरा रिलीजिंग फॉर्क चेंज नहीं करना पड़ेगा आपको केवल आपको ये ही चेंज करना पड़ेगा यानी पूरा वजन या जो भी आप जैसे मान लो कोई रफली भी चला दबाता है ऐसे ही दबा दिया फिर कर दिया अगर रफली करेगा तो यही खराब होगा आपका उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इतना क्योंकि बहुत टाइप के लोग होते हैं चलाने वाले है ना क्यों सा मतलब तू भी रफ चलाता है अच्छा तो ये आपका प्लस सिस्टम का प्रोटेक्शन देता है एक तरीके से आपकी जो फ्रिक्शन लाइनिंग होती है उनको बचाता है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है क्योंकि आप एकदम से छोड़ोगे करोगे तो लाइनिंग जल्दी ख़राब होती है ये नहीं होने देगा क्योंकि ये अपने ऊपर लेके रखता है उसको तो वो वैसे ऑपरेट करेगा चाहे तुम तो कितने लात घुसे मार लो इसके उसको तो वो वैसे चलाएगा जैसे चलना चाहिए तो ये एक अच्छा फ़ायदा होता है कि यहाँ पे आपका एक मेंटेनेंस कॉस्ट कम कर देगा ये पार्ट्स जल्दी खराब नहीं होंगे आपके क्लच जल्दी खराब नहीं होंगी लाइनिंग जल्दी नहीं घिसेगी बराबर है ये पहली हो गई नंबर दो नंबर दो हेड मतलब टॉपिक डालिए रिलीजिंग एडजस्टमेंट ये रिलीजिंग कैसे लिखा जाएगा ये तो, ना हिंदी देते ना इंग्लिश देते रिलीज ही लिख लो यार रिलीज एडजस्टमेंट अब ये रिलीज जो आपका एडजस्टमेंट दिया जाता है क्यों दिया जाता है ताकि ताकि आप जब क्लच को प्रेस करोगे तो वो अच्छे यानी पूर्ण तरीके से डिसंगेज हो जानी चाहिए यानी यहाँ पे आप जब पैडल को पूरा दबा दिया उस टाइम ऐसा ना हो कि आपकी प्रेशर प्लेट या जो आपके फ्रिक्शन प्लेट है फिर भी उसके साथ अटैच रह रही है ना ये तभी होगा जब मैंने बताया था ना अभी ये जो फ्री प्ले वाला अगर इस न, न, नट को आप जितना टाइट कर दोगे जितना इसको अंदर की तरफ लेके जाओगे तो यही कंडीशन होगी आप पूरा भी दबा दोगे फिर भी ये यह नहीं होगी फिर भी ये चलती रहेगी है ना तो इस वजह से ये थोड़ा जैसे आप स्टार्टिंग में गाड़ी एकदम नहीं लाते हैं तो एकदम पिकअप शानदार होता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है परफेक्ट यानी अगर जैसे ये मान लो शाफ्ट है और यहां पे मान लो नट यहां पे लगा हुआ है तो जब आप नई गाड़ी लेके आए हो ना तो एकदम परफेक्ट कंडीशन में है यहां मतलब क्लच को छोड़ते ही काम करती है और इसीलिए देखना जब नई गाड़ी लेते हैं ना पहले एक शाइन आती थी वो तो भैया उठ जाती थी तुमने चलाई पुरानी वाली शाइन कभी हाँ बहुत तगड़ा पिकअप देता है बहुत तगड़ा टाइट करके देता था वो वो भैया अभी भी अच्छा है उसका अभी का तो मुझे नहीं पता लेकिन जब आ, मैं बात करूँ 2010 के आसपास की बात करूँ 2010 क्योंकि उस टाइम में दो 2009 जब मैं टेंथ में था तब तो एक मेरा दोस्त लेके आता था और वो इतना पतला सा था और बारिश का टाइम था उसको मतलब एकदम से बारिश आई तो उसने सोचा फटाफट किक मारी और भैया उसने जैसे क्लच छोड़ी गाड़ी पलट गई पूरी वहीं हो गया काम हाँ तो उसके मैं देखा यार ये क्या पिक गाड़ी है यार इतना तगड़ा पिकअप हालांकि आजकल तो नहीं है अब तो कम हो गया बाकी शायद अब जैसा बता रहे हो कि अभी भी शायद और बाइक के कंपैरिजन में अभी भी अच्छा ही होगा उसका वो यही करते हैं है ना यही सारा गेम खेलते हैं इसको और बिल्कुल फुल टाइट पे रखते हैं इसको अब जैसे जैसे अच्छा आप अगर इधर कर दोगे इसको आपके पास ऑप्शन इधर भी करने का है, तो इधर अगर आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फिर आप पूरी क्लच दबा लोगे ना तो भी ये अंगेजी रहेगी मतलब आप गियर चेंज करना चाह रहे हो लेकिन वो चलती फिर भी वो थोड़ी थोड़ी टच ही रहेगी उसके इसलिए इधर तो आप ला ही नहीं सकते फिर आप जब सर्विस फर्स्ट सर्विस में जाओगे तो इसको हल्का सा इधर फिसका देता इस आप देखना करता है नीचे से चाबी लेके उसको इधर कर देता है फिर क्या होता है कि वो थोड़ा सा आप हल्का सा छोड़ दोगे तब तक काम नहीं करेगी उसके बाद एंगेजमेंट जैसे जैसे इधर लेके जाएगा और तीसरी सर्विस तक तो वो लगभग आधे से थोड़ा पहले तक ले आता है उसको ताकि गाड़ी उससे बंद ना हो क्योंकि इंसान की हैबिट होती है इतना क्योंकि उंगलियों पे इतना कंट्रोल नहीं होता है कुछ लोगों की जैसे उंगलियां कमजोर होती है तो एकदम से छूटती छूटती वो इतना कंट्रोल नहीं रह सकता कि बिल्कुल ऐसे प्रेस करके धीरे धीरे इतना इतना के ये लगभग सिक्सटी परसेंट के साथ यही है अब तीस चालीस परसेंट थोड़ा सा मतलब जिम विम करते होंगे या उनकी उंगले मजबूत होती है है ना ये खुदाली उदाली चलाते होंगे तो उनकी तो वो कंट्रोल रख सकते हैं अपनी उंगली इतनी है ना बाकी सिक्सटी परसेंट नहीं कर पाता इतना कंट्रोल हाँ ये रिलीजिंग एडजस्टमेंट वही है ये आपका क्या बताता है कि आप जब क्लच को संपूर्ण तरीके से दबा चुके हो तब आपकी क्लच हंड्रेड परसेंट डिसंगेज हो जानी चाहिए अगर इसको आपने यानी रिलीजिंग आपका एडजस्टमेंट सही नहीं है तो आपका व्हीकल आप को गियर चेंज करने में समस्या आएगी समस्या क्या आएगी मतलब तोड़ताड़ बैठोगे थोड़े दिन में गियर बॉक्स को या गियर कोई क्योंकि वो डिसंगेज तो होने से ही और तुम वो चल चलती में ही आपको चेंज करना पड़ेगा यानी चालू ही मानूंगा मैं तो उसको और फिर झटके भी लगेंगे और हो सकता है एक दिन आपका गियर ही टूट जाए है ना तो लिखो यह एडजस्टमेंट इसलिए किया जाता है ताकि क्लच पैडल को पूरा दबाने पर क्लच प्लेट पूरी तरह से फ्री हो जाए कोई मुझे बता सकता है ये एडजस्टमेंट क्यों किया जाता है देखो फ्री प्ले वाला देखो एक चीज बताऊं ये कौन सा एडजस्टमेंट है मैं उसकी बात कर रहा हूं ये आपका रिलीजिंग फोर्क है है ना इस पे वो जो आपका नट लगा हुआ था मैं उसकी बात कर रहा हूं देखो आपका जो फ्री प्ले क्लस था ना ये एक लिमिट है जहां पे मतलब नई गाड़ी की कंडीशन होती है ना वो ये वाली होती मतलब ये आपकी लिमिट है मतलब इससे इधर तो अपन कोई किसी भी कंडीशन में और ये जो रिलीजिंग एडजस्टमेंट होता है ना ये एडजस्टमेंट वही होता है कि आप इसको इधर कर रहे हैं इधर कर रहे हैं बराबर है अब मेरे को ये बताओ कि इसको इधर करने की जरूरत क्या पड़ गई कि आप क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि यहां से तो सर क्लच अंगेज स्टार्ट होन, होना स्टार्ट हो गई

तो आपके फ्लाई व्हील और क्लच के बीच में गैप बढ़ जाता है बस उस गैप को ही आपकी उस गैप को भरने के लिए आपको मजबूरी है आपकी इधर करना पड़ेगा आपको दो ऑप्शन आपके पास या तो क्लच प्लेट चेंज करवाओ जो कि महंगा मामला है या आप ये कि दो चार छह महीने और चला सकते हो इसको थोड़ा इधर करवा ज्यादा तो ये भी नहीं दिखाएगा साल भर खींच लोगे इससे ज्यादा तो यह भी नहीं करेगा लाइनिंग वाइनिंग क्योंकि थोड़ी पूरे तरीके से तो घिसती नहीं है है ना तो जो थोड़ी बहुत भी बस्ती है उसको भी आप साल भर और खींच सकते हो बाकी नहीं तो क्लच क्योंकि आपकी फेसिंग खराब होने के बाद तो भैया हंड्रेड परसेंट दूसरी फेसिंग लगवानी पड़ेगी आपको या दूसरी क्लच प्लेट ही लगवानी पड़ेगी दूसरी क्लच प्लेट लगवा लो या उस पर फेसिंग लगवा लो बात एक ही की है ना समझ गए होंगे जहां तक कहानी क्या हो रही है ना किसी को कोई समस्या यहाँ तक देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना बहुत जरूरी है इस चीज़ को बाकी लिखो मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो लिख इसलिए क्योंकि बाद में पढ़ोगे ना तो याद नहीं आने वाला कुछ भी ऐसा अपन शक्तिमान नहीं है कि जो आज पढ़ लिया और अमर हो गए उसके बाद नहीं भूलेंगे इसलिए लिखना जरूरी है ताकि जब वापस रिवाइज करें तो अपने ध्यान रहे तो लिखो ये चीज़ भी लिखी लो इसमें लिखो यह एडजस्टमेंट तभी करना पड़ता है यह एडजस्टमेंट तभी करना पड़ता है जब जब काफी देर तक चलने या गलत इस्तेमाल देखो दो ऑप्शन है क्लच आपकी फेसिंग अगर खराब हो रही है ना आप अगर कंटिन्यूसली हजारों किलोमीटर चल गए तो गए आपकी फेसिंग इतनी हिटअप हो जाती है वो फेसिंग ही जल जाती है आपकी कंटिन्यूस चलने से खराब होती है इसलिए बोला जाता है कि बीच में आप मतलब मैं तो ये बोलूँगा आप एटलीस्ट हर सौ किलोमीटर में गैप दो हर सौ किलोमीटर सौ पे सो so, नहीं तो कम से कम दो सौ पे तो आप दो डेढ़ सौ दो सौ के बाद तो एक बार गैप दो मेरे हिसाब से है ना दो सौ किलोमीटर पे तो मस्ट है मस्ट है अगर आप कंटिन्यूस हालांकि चलने में तो आप चार सौ किलोमीटर भी चल जाते हैं पाँच सौ किलोमीटर चल जाते हैं लेकिन नॉन स्टॉप मत चलो बीच में एक बार ब्रेक दो हल्का सा ठंडा क्योंकि इंजन भी बहुत गर्म हो जाता है आपके सारा सिस्टम क्लच स्पेशली क्लच प्लेट वगैरह सब और ये फेसिंग ख़राब होती है गर्म होने से ज़्यादा होती है है ना जो गर्म के टाइम ही जल्दी घिसती है तो इसलिए थोड़ा सा गैप देना जरूरी है यहाँ पे दो तरीके हैं इसके घिसने का या तो आप उसको बहुत ही लॉन्ग मतलब बिना रुके भाई कभी मजबूरी है कुछ इमरजेंसी है वो केस अलग है वहाँ इतना लेकिन आप कंटिन्यूसली मतलब कोई आपका ऐसा है कि आपका काम ही ऐसा है तो भैया फिर तो आपको गैप देना बहुत जरूरी है ना तो या तो लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उसका गलत मतलब वही रफ चलाना इस्तेमाल करने से क्लच प्लेट या मैं बोलूं फेसिंग या लाइनिंग क्लच लाइनिंग जो होती है ना उसकी मैं बात करूंगा लाइनिंग घिस जाने के कारण क्लच प्लेट के मध्य गैप अधिक हो जाता है क्लच प्लेट के मध्य गैप इसमें तभी करना पड़ता है जो काफी देर तक है जैसे मिलने की जाने का फ्लाई व्हील क्लच प्लेट के मध्य गैप बढ़ जाता है समय हो गया समय हो गया क्या पता ही नहीं लगा सकते नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें मारुति गाड़ियों में अरे यार डीजल हाँ आपको पढ़ना है क्या अच्छा नहीं हाँ जो अगर स्टार्टिंग से नहीं पढ़े तो वो रुक जाना अभी नहीं नहीं कोई बात नहीं तो आज से स्टार्ट होगा ना इससे पहले तो हीट इंजन चल रही थी ना इससे पहले हीट इंजन का पार्ट चल रहा था जो कि आपका लेना देना नहीं चलता है ना आज से मैं वो स्टार्ट कर दूंगा कोई बात नहीं आज से आपका बिल्कुल स्टार्टिंग से करवा दूंगा मैं ना इंजन से ही स्टार्ट करूंगा डेफिनेशन से स्टार्ट कर दूंगा अच्छा बीच में आए थे तेरे को यही नहीं पता यार इंजन की डेफिनेशन पड़ी थी मेरे से <laughs> ऐसे बच्चे भी होने चाहिए क्लास में क्लास का माहौल ही बना के रखते हैं हाँ हाँ है? तुम साथ में आए थे ये अच्छा ये भी कंफर्म नहीं है क्या साथ में आए थे अच्छा साथ में आए थे ना यार गजब है यार एक अतिरिक्त फ्लेक्सिबल केबल या नट बोल्ट <laughs> किया जाता है जिससे उसमें प्रीप्ले प्री प्ले दो से छ एम एम तक भी रखी जाती है डायग्राम यहाँ डाल देता हूँ क्योंकि मारुति वालों के लिए ये अतिरिक्त जो फ्लेक्स अतिरिक्त केबल जो है ना वो ये है हाँ केबल या नट बोल्ट मैकेनिज्म बोल सकते हो केबल पर लगे नट बोल्ट वाली ठीक है बाकी अपन कल कंटिन्यू करते हैं इसके लिए यही और जो अभी डीजल के फ्रेश बच्चे जो हैं वो रुक जाएं ना नए बच्चे आ रहे हैं वो क्यों नहीं आ रहे एक ही क्यों इतने और भी तो बच्चे हैं डीजल के नए नहीं।, नहीं पता होगा <laughs> ऐसा करो तुम भी जाओ मैं फिर डीजल मैकेनिक का लग ही बेच बनाऊँगा अभी मैं हीट इंजन की दस क्लास लूँगा फिर उसके बाद ट्रैक्टर मैकेनिक की दस क्लास लूँगा उसके बाद फिर डीजल के नाम से चलाऊँगा वो स्टार्टिंग से चला दूँगा तुम्हारा ना हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हीट इंजन का है ना तो आपको लोगों को डालते भी नहीं है क्योंकि ये हीट इंजन के नाम से चल रहा है तो कुछ बच्चे सोचेंगे अरे डीजल का है ही नियम क्यों पड़े है ना इसका फिर मैं वो डीजल के नाम से ही चलाऊंगा ना ये केवल क्योंकि सिलेबस सेम है ना तो आठ दस क्लास पाँचे क्लास और चला के उसके बाद फिर ट्रैक्टर का चला के फिर डीजल स्टार्ट कर दूंगा डीजल के नाम से आएगा ऑफिशियल वो डीजल एम एम वी ट्रैक्टर मैकेनिक और हीट इंजन तीनों के स्लैश में चलेंगे फिर क्योंकि सबका सिलेबस सेम हो जाएगा सेम ही है वैसे हंड्रेड परसेंट सेम है इनका ना ठीक है, है? हाँ हाँ कल क्या है अभी क्लच की प्रॉब्लम है अभी क्लच खत्म नहीं हुआ है यार एक बार मैं सर से पूछ लेता हूं।